Panda. I got broads in Atlanta. Since the dog in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacy. Hello guys, welcome to H4K Sam Gaming. T2 Scrims match number 10 week second का हमारा T2 Scrims का last game है इस week का. और सवर्नी टू मिलिट्री में हमारा प्लेन पाथ था. टीम से डॉबली ने स्टार्ट कर दिए थे. सवर्नी गई है टीम TW एज यूजुअल. टीम रेज 2.2 जी नहीं, टीम OXB है आज रोजोक के अंदर. टीम OXB रोजोक के अंदर है एंड उन्हीं के साथ टीम CHB बिग सिटी. टीम ऑल ब्लैक स्मॉल सिटी फोनिक्स लोड करेगी हॉस्पिटल का एरिया 77 SC अपने वही क्वारी के पास वाले कंपाउंड्स. क्वारी का एरिया टीम XD लूट करेगी. वैनम हंटर यहाँ नॉकआउट करेंगे TW हंटर को. TW नो ओपी को वैनम हंटर फिनिश ऑफ भी करते हुए. हंटर एंड रोमियो दो प्लेयर्स बचे हुए हैं. टीम रेज टू पॉइंट रेज की बात करो तो क्रैंकी चार्ली गब्बर एंड हिटमैन ये प्लेयर्स अभी कैरी कर रहे हैं नोवो पोरियानो. एंड रेस 2.2 अपनी व्हीकल्स लेकर जा रही है अभी शायद माइल्टा जाने वाली है. टीम लोग ऑलरेडी फार्म के अंदर मौजूद है. ये सारी टीम्स मोव अपना कोचिंग की लूट करेगी. H4 के लिपोप का कैरी कर रही है और टीम डेल्टा पहुंच चुकी है स्टेलवर का एरिया. सो सारी टीम्स के सारे रोटेशन हो चुके हैं. XR अपना वही शेल्टर का एरिया लूट करने वाली है. TW हंटर ओबी के पास कोई गन कोई कुछ है नहीं तो वो पूरा नीचे ही प्रोन डाउन पड़े हुए हैं. सिंगल रोमियो है स्कारल एंड स्कारल के साथ रोमियो ने यहाँ पर नोक भी निकाल दिया मैंने हंटर को और स्टिल वो किल कन्फर्मेशन लेने के लिए भी जा रहे हैं बट हंटर अभी कवर पहुँच चुके हैं तो स्टिल सिंगल रोमियो नीचे जाएंगे या यहीं पर होल्ड कर रहेगा अभी के लिए. तो सिंगल रोमियो पूरा इतनी दूर से वैसे स्कारल विदाउट स्कोप विदाउट एनी साइट नॉक देना इट्स अ वेरी टफ एंड लेकिन सिंगल रोमियो ने यहाँ पर चिपका दिया है हंटर को और हंटर काफ़ी तेज़ी से ब्लड आउट भी हो रहे हैं. लेकिन वैनम साथ जो सीधा बग्गी लेकर अपने प्लेयर को बचाने के लिए रिवावल देने के लिए बग्गी से सीधा क्लोज जाते हुए उसी का फ़ायदा उठाकर TW हंटर ओपी भी ऊपर चढ़ चुके हैं जिनके पास है एक SKS. यह साइल नीचे से स्कारल के शॉट्स देंगे जो एक सिंगल रोमियो को स्पॉट करके उन्होंने दिया है एक अपना स्कारल विद रेड डॉट के साथ. सिंगल रोमियो जो थोड़ा ब्लड आउट हुए दैट्स वाई वो पीछे होते हुए एक S12 के एक SKS है हंटर के पास TW हंटर के पास. वैनम की सैजी ने स्पॉट किया TW हंटर को नॉक किया इंस्टेंटली. TW हंटर नीचे जंप करके ब्लड आउट यानी फिनिश ऑफ भी होने वाले. सिंगल रोमियो सोलो मैन सर्वाइवल बचा हुआ है. सैजी एंड साहिल क्लोजिंग करते हुए प्लेयर जो नीचे नोक पड़ा हुआ है साइल क्लोज में जा रहा है उसके यहाँ किल कन्फर्मेशन मिल जाएगा वैनम के सैजी को. सिंगल रोमियो जो सोलो प्लेयर बचा हुआ है बैंडेजेस अपने पोपिन कर रहा है ऊपर चार्जिंग कर रही है टीम वैनम के दोनों ही प्लेयर्स. सिंगल रोमियो S12 के लेकर बैठा हुआ है स्कैम ना हो जाए वैनम के प्लेयर्स के साथ क्योंकि S12 के OP बोलते गाइस या बिल्कुल वैनम सैजी को देंगे नो. लेकिन यहाँ एक चूक कर दी टीम TW के सिंगल रोमियो ने वरना यहाँ शॉट्स लेते सामने ही साहिल पे तो ज़रूर कुछ ना कुछ हो सकता था बट वैनम के सेजी ही नो हुए तो इंस्टेंटली रिवाइवल मिल जाएगा साहिल की तरफ से कवर. 15 टीम्स 55 प्लेयर्स स्टिल अलाइव इन द जोन गाइस एंड टीम्स कर रही हैं रोटेट क्योंकि रो जो अर्ली रोटेशन में मशहूर फार्म का एरिया लूट कर अपने व्हीकल लेकर सीधा रोटेट करते हुए क्या वो इस नया की एरिया जाने वाले हैं. टीम OXB रोजोग और वो वाटर सिटी का एरिया लूट करते हुए बाकी कोई फाइट हमारी अभी बनेगी नहीं.
डब्ल्यू के बैक टू बैक टू नॉक्स दे दिए जी डब्ल्यू के। बदमाश ओपी का जो ये फ्लैंक था बहुत ही ओपी फ्लैंक डीपी 28 के साथ नेहा को नॉक एंड फिनिश ऑफ कर दिया। जे स्टिल नॉक पड़ा हुआ है। आंसू इज अ सोलो मैन सर्वाइवल। बदमाश ओपी अभी अपनी डीपी लेकर बैठा हुई है। ये के टी डब्ल्यू के निंजा ओपी अपनी बैक गए का दूसरी साइड हिल चढ़ चुके हैं जो आशु यहाँ पर। रिवाइवल पॉसिबल तो अभी हो नहीं सकता लेकिन बदमाश ओपी को सपोर्ट जरूर इन्होंने कर रखा है। स्कारल का स्प्रे आशु देंगे एक अच्छा नॉक और अपने प्लेयर को रिवाइव देते नजर आएगा पूरा ओपन में। अनबिलीवेबल गाइस पूरा ओपन में रिवाइवल दे रहा है। निंजो ओपी अभी फ्लैंक करते हुए जोकर ओपी तेजी से आगे जाते हुए गाड़ी नहीं है उनके पास। निंजो ओपी स्टिल यहाँ पर रिवाइव हो चुका है। जे सामने से जोकर ओपी निंजो ओपी होल्ड करेंगे। क्या जोकर रिवाइवल के लिए जाने वाले हैं अपने प्लेयर को जो नॉक पड़ा हुआ है बदमाश ओपी। क्या बिल्कुल यहाँ जोकर ओपी सीधा रिवाइवल के लिए चढ़ रहे हैं पूरा लेफ्ट एंड राइट से। लेकिन आशु अपनी एक बग्गी लेकर जाते हुए पीछे से निंजा ओपी उसको छोड़ देता हुआ लेकिन वो बग्गी लेकर आना बदमाश ओपी फुल ओपन में स्पॉटेड एंड फिनिश भी करने का ट्राई जस्ट ट्राई ही था बस आशु का। जोकर ओपी ने एक ओपी कवर दे दिया अपने प्लेयर को। जे भी अपनी बग्गी लेकर जाना चाहता था बट उसकी बग्गी है ऑलरेडी डैमेज। पीछे निंजा ओपी ऑलरेडी मौजूद है और जे को पड़ेगा शॉट्स यहाँ पर। जोकर ओपी के ओपी शॉट्स पड़ते हुए और बहुत ज़्यादा लो उनको करते हुए निंजा ओपी स्टिल अभी भी होल्ड करे हुए हैं। जे जो लो हुए थे वो यहाँ पर हील कर चुके हैं। जोन बनता हुआ जोन पूरा फेवर करता हुआ सवर नहीं कही रिया जोन हार्डशिप लेता हुआ फेवर करता हुआ सवर्णी का एरिया और मॉव सीधा रोटेट करते हुए जोन के मिडिल एरिया में। H4K भी अपना लॉन्ग रोटेट करती हुई रेज एंड वैनम अपने ब्रिज से निकलते हुए। जे अपनी बग्गी लेकर निकलने का ट्राई कर रहा है दोनों ही साइड से पड़ रही हैं। बग्गी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रूट कर दी गई है जे की। जहाँ आशु जो नोक पड़ा हुआ है स्टिल उसको फिनिश ऑफ कितनी देर में करेगी टीम टी डब्ल्यू। जो करो भी जाएंगे फिनिश ऑफ ले लेंगे टीम टी डब्ल्यू। 15 टीम्स 52 प्लेयर्स बचे हुए हैं हमारे इस गेम के अंदर एंड टीम वैनम रोटेट कर रही है 77 एसी एज ऑफ द जोन पोचिंग की के एरिया मौजूद। या बदमाश ओपी यहाँ पर होल्ड करे हुए हैं। निंजा ओपी अभी लूट करेंगे वो पेटियाँ जो उन्होंने बनाई हैं तीन पेटियाँ उनको लूट करने के लिए मिलेंगी यहाँ से। रेस 2.0 वर्सेस OXB की फायर होती हुई एक प्लेयर रेस 2.0 के ऑक्सी को नोक दिया टीम OXB के प्लेयर ने शायद सोनू ने वो नोक दिया था नोक दिया है। फिनिश ऑफ डालने भी जाएंगे लेकिन OXB के बाकी प्लेयर्स पीछे हिल पे से कवर फायर दे रहे देना चाह रहे हैं अपने प्लेयर को बट मुश्किल होगा वहाँ से बचाना उनका। MK है सोनू के पास भी और MK ही देखी थी मैंने मैडबुल के पास भी लेकिन दोनों के पास एक्सटेंड नहीं है। जोकर के पास M16 एंड मिनी है यहाँ इस टनल के पास। स्टिल रेज जोन में रोटेट करती हुई और शायद से यहाँ पर रेज पहुँच भी चुकी है जोन में। हिटमैन क्रैंकी गब्बर एंड चार्ली के साथ टीम XR सामने। वानम के साहिल को नोक दे दिया टीम XP के प्लेयर ने। यहाँ टीम वानम का प्लेयर एक नोक हुआ है बट रिवाइवल उसको मिल जाएगा काफ़ी दूर से नोक किया है। MK14 चल रही है MK14 के जलवे भी खेले जा रहे हैं टीम OXP के। दो MK लेकर बैठे हुए हैं टीम OXP मैडबॉल एंड सोनू M16 के शॉट्स लगातार यहाँ जोकर दे रहे हैं। स्टैन के पास है Mini 14 सो इधर तो यहाँ वानम के सैजी ने इस बार थोड़ी शांति बरतने को बोला है मैडबॉल से कि आप थोड़ा शांति बरतिए मैं आपको M24 का शॉट दे रहा हूँ। देन मैडबॉल हो जाएगा रिवाइवल यहाँ से कोई ज़्यादा बिटी होगा नहीं लेकिन टीम वानम के प्लेयर्स के पास 3 किल्स हैं ऑलरेडी 14 टीम 48 प्लेयर बचे हुए वानम के पास। यहाँ सैजी के पास आप फिर से इस गेम में भी हों दूसरी गन कौन प्लेयर पिक करने वाला है ऐसी क्या थी भाई जो किसी ने पिक नहीं की। पहले ऐसी DPS आती थी जो कोई पिक नहीं करता था बट आज क्या हुआ। ओह वनम साहब हंस गए मोक चलाई थी 4 के लिए थे। खैर M4 के सामने पकड़ने वाला है कोई प्लेयर लेकिन टीम वनम है 3 किल्स 14 टीम 48 प्लेयर स्टिल अलाइव। टीम्स XD के प्लेयर वनम के साजी को सपोर्ट किया था यहाँ स्प्रे दिया है एंड इस बार फिर से जोन जाएगा पूरा हार्डशिप यशनाया की ओर।
और मॉब अली रोटेट करते हुए, लेकिन वैनम के सैज ही फिर से ओम का फटका पाइथन एक्सटी को देते हुए एंड पाइथन एक्सटी गेट नॉक डाउन। यस नया मोलियाना के अंदर टीम ओवेक्स पहुंच चुकी है, जोन रोटेट कर चुकी है, टीम एक्सटी के पाइथन एक्सटी नॉकआउट हुए हैं ओम के फटके से। टीम एच फोर के रोटेट कर रही है, रोल रोटेट कर रही है, होल बैग अपना जे सोलो प्लेयर जाके कंपाउंड होल्ड कर रहा हुआ है। बात कर लो सी एच बी के सब जोन है, 77 ऐसी जस्ट उसके पीछे से आ रही है, टी डब्ल्यू क्रॉस कर चुकी है, पेट्रोल पम्प होल्ड करेगी दूसरे एरिया कंपाउंड्स, डेल्टा के दोनों प्लेयर्स होल्ड करेंगे, ओ एक्स भी अपने एक कंपाउंड होल्ड कर रखी है, एक्सान ने एक प्लेयर ऑफ मंगाया वहीं पर एज होल्ड कर रही है। थर्ड जोन जब हमारा चलेगा फोर्थ जोन हमें देखने को मिलेगा जल्दी। टीम एक्स टी को वैनम जैसे ऐसी स्पॉट कर रखे हैं, ओम का अपना पीक हर तरफ लेने का ट्राई। फिलहाल टीम मोवेक्स की फाइट होती हुई, इस बार टीम रो के साथ, रोकी को नॉक कर देंगे, रोके मोव के ड्रैकुला एंड टीम रो 3-5 बची हुई है, क्या मोव चार्जिंग करेगी। रो लेफ्ट की ओर से मोलोटोल्स एंड ग्रेनेड से आने जा रही हैं, यानी कि ये तो स्लैम रोकने की ट्राई था, बट मोव के एक ही और भव्य का नेड आएगा जो रोकी को करेगा फिनिश आउट और एजेंट को करेगा लो नॉक, एंड क्लाउस एंड लव दो ही प्लेयर्स बचे हुए हैं अभी के लिए, क्लाउस ऑल्सो गेट नॉकडाउन, अकेला प्लेयर बचा हुआ है यहाँ, फुल टॉक्सिक मोड।